रेस्क्यू डेमो के दौरान होमगार्ड टीम ने पानी में डूब रहे व्यक्ति को बिना बोट और अन्य संसाधन के ही रस्सी के सहारे बचाने का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि लाइफ जैकेट और रस्सी के सहारे डूबते व्यक्ति को बचाया जा सकता है। मौके पर टीम नहीं है, ऐसे में व्यक्ति के डूबने की सूचना पर किस तरह के रिएक्शन मिलते हैं इसका भी नजारा दिखाया गया। इस मौके पर होम कमांडेंट नम्रता सरवाते ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से जान और माल का काफी नुकसान होता है, यदि समय रहते आपदाओं का समुचित प्रबंधन कर लिया जाए तो न सिर्फ नुकसान को बचाया जा सकता है बल्कि जनहानि भी रोकी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मानव निर्मित आपदाओं के कारण भी ज्यादा नुकसान होता है। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। यहाँ पर केला डैम में 3 दिवसीय प्रशिक्षण चला रहे हैं जो बरसात के पूर्व हर साल हम लोग चलाते हैं। इसमें अवंतीपुर बड़ोदिया और सुजालपुर की टीमें आई हुई है और हमारी जो SDRF टीम है तीनों को मिलाकर जो भी पूरे जिले में रेस्क्यू करते हैं हम लोग वो सारी टीमें यहाँ पर बुला के नए जवानों को और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है किलर डैम में। आज हमारा 3रा दिन है। हम लोग लगातार 3 दिनों से इनको बोट हैंडलिंग और ड्राई रेस्क्यू करना और पानी में जाकर कैसे व्यक्ति को बचाना है, किस पोजीशन से उसको लाना है बाहर और उसको किस पोजीशन से अपने को लेटाना है, ये सब हम लोग प्रशिक्षण में सिखा रहे हैं जवानों को। जी, आपका नाम? नम्रता सरावत, प्लाटून कमांडर SDRF। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।